नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये चैनल वैसे तो इंग्लिश के लिए है, लेकिन अभी कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो एग्ज़ाम चल रही है, कक्षा 9वीं से 9वीं और 11वीं की एनुअल एग्ज़ाम और कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है, तो इनमें जो पेपर आपके होते हैं वो सभी सब्जेक्ट के पेपर को हम एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हमने लिया है कक्षा 11वीं परीक्षा 2019-20 इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र वाणिज्य कला सॉरी। तो इसका सेट जो था, इसका कोड है 7420 सेट सी। इस पेपर को हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स जो भी आपके कॉन्टेक्ट में हैं उनके पास हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आप जान सकें कि आपका पेपर कैसा रहा और आप क्या लगा के आए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, सभी के लिए एक नंबर अंकित है। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी के जन्मदाता है, तो वो है प्रोफेसर गॉटफ्राइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है इसका, में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो वो संगणना विधि। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समांतर माध्य के लिए गए विचलनों का योग होता है, तो वो शून्य के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर डी है, प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है, तो वो है सिग्मा अपॉन एक्स बार। क्वेश्चन नंबर ई है, पी जीरो प्रदर्शित करता है वर्ष का मूल्य, आधार। क्या प्रदर्शित करता है? आधार। क्वेश्चन नंबर टू है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, सूचकांक में किसके सूत्र को आदर्श सूत्र माना जाता है, तो वो फीसर का जो सूत्र है उसको आदर्श माना जाता है। बैंकिंग क्षेत्र व्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। उत्पादन में सक्रिय घटक क्या है, तो वो है श्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 76 में 5 बैंकों को इसमें शुरुआत में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 1975 हमें लिखना है। नेक्स्ट है, सही जोड़े बनाना है, तो सही जोड़े बनाने के लिए वाणिज्य स्रोत, वाणिज्य ऊर्जा स्रोत, तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्राकृतिक गैस, गैर वाणिज्य ऊर्जा स्रोत तो पवन ऊर्जा, मिश्रित अर्थव्यवस्था तो इसके लिए होगा पाकिस्तान, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के आधार पर देश तो ये चीन, वन कटाई रोको आंदोलन तो ये चिपको आंदोलन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर है, सही विकल्प का चयन करना है, उत्पादक क्रिया एक भाग है, तो आर्थिक क्रिया, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े कहलाते हैं, तो प्राथमिक समकम। क्वेश्चन नंबर सी है, हरित क्रांति के जनक हैं, तो वो M.S. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर डी है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध सदैव होता है, तो ये होता है -1। हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुई, तो ये हुई 1 जनवरी 2015, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे जो हमने आज के पेपर को एनालिसिस किया आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताएं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स के पास इसको शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।